चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या देख लिया है, इन्वेस्टर में रिटर्न और रिस्क। रिस्क में सिंगल सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटीज, रिटर्न में भी सिंगल सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो रिटर्न, इन सब के फॉर्मूले हम देख चुके हैं। अब बात आती है, अगर आपके पोर्टफोलियो में तीन सिक्योरिटीज है तो किस तरह से पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला जा सकता है। आपको याद होगा तो टू सिक्योरिटीज के लिए फॉर्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको हम करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और जिसमें ए की जगह आप रखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए, बी की जगह रखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। दो सिक्योरिटीज थी, दो सिक्योरिटी वाला फॉर्मूला। अभी तीन सिक्योरिटीज है तो तीन सिक्योरिटी वाला फॉर्मूला लग सकता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद टू ए बी टू बी सी टू सी ए, ये भी था हमको मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा आई थिंक। तो सेम चीज, बस सेम चीज है, बट आई विल सजेस्ट, आई विल रिकमेंड नॉट टू गो फॉर दिस फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो ए की जगह क्या रखेंगे, ये बी की जगह क्या रखोगे ये, और सी की जगह क्या रखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी वेट ऑफ सी। सिंपल, बस यहां पे आपको लग जाएगा आर ए बी आर बी सी और आर सी ए। अब को रिलेशनशिप भी तो लगाना पड़ेगा, ए बी का सी के साथ और सी का ए के साथ। बट ऑल टुगेदर आई विल सजेस्ट अ डिफरेंट मेथड, जो हमको इंस्टीट्यूट बोलती है, प्रैक्टिस मैनुअल बोलते हैं, कि किस तरह से आपने इस तरीके के, जिसमें मतलब तीन सिक्योरिटीज है, वो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना चाहिए। सो वी हैव अ डिफरेंट मेथड, यही मेथड मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स बनाना। अभी आप क्या करोगे पता है, तीन सिक्योरिटीज है ना, तो तीन सिक्योरिटीज के लिए ए बी सी ए बी सी, तो ये इतने आंसर निकालोगे, कितना ए ए ए बी ए सी कॉम्बिनेशन, अगेन ए बी 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 और बी सी, यहां पे क्या ए सी बी सी और सी सी, नौ आंसर्स आपको निकालना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग नौ आंसर्स कैसे निकालोगे, आपने दो दो के कॉम्बिनेशन तो बना लिए, अब फॉर्मूला यूज करो ये वाला तीन सिक्योरिटीज के लिए, जो आपको आपके कोर्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज लाइक दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी सी, अब तीन सिक्योरिटी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका होना, ए बी सी का होना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें भी स्क्वायर रूट ही लगाया था ना आपने, हाँ, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट था, हर जगह स्क्वायर रूट था, बिना स्क्वायर रूट के जो आंसर आता है उसको बोलते हैं वराइंस, वेट ऑफ आई वेट ऑफ जे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जे आर आई जे। बस अब ए बी सी क्या है, तीन सिक्योरिटीज है, आई और जे क्या है, आई और जे ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ए ए सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें पहली वाली सिक्योरिटी हर बार आई बन जाएगी, दूसरी वाली सिक्योरिटी जे बन जाएगी। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो उस फॉर्मूले को, वेट ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए आर ए ए। अब दूसरा कॉम, इसका जो भी आंसर आएगा वो मैं यहां लिख लूंगा, ठीक है। यहां सॉरी मैंने एक चीज डालना भूल गया, यहां पे दिस इज समेशन, यहां पे ना दो समेशन डालना, समेशन ऑफ वेट ऑफ आई वेट ऑफ जे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जे आर आई जे, ऐसा फॉर्मूला है। समेशन ऑफ का मतलब ये नौ फिगर्स आने के बाद इन सब का टोटल करो और फिर स्क्वायर रूट में डाल दो। अब मान लो मैं दूसरा कॉम्बिनेशन लेता हूं ए बी, तब क्या होएगा, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, ये आई रिप्लेस हो जाएगा उसमें ए से, और वो फॉर्मूले में जे रिप्लेस हो जाएगा बी से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आर ए बी, समझ में आ रहा है। फिर मैं लूंगा ए सी तो क्या होएगा, या मान लो चलो बी सी लेते हैं, तो वेट ऑफ बी, अब आई रिप्लेस हो गया बी से, वेट ऑफ सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी आर बी सी। इस तरह से आप सारे आंसर्स निकालोगे, आपको नौ आंसर चाहिए इन टोटल, जिसका आपको सम करना है और फिर स्क्वायर रूट करना है। नौ आंसर्स में आपको सिर्फ निकालना छह ही पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर यहां से आ जाएगा, ए बी सेम है, ठीक है, ये आंसर आपका यहां से आ जाएगा और ये आंसर आपका यहां से आ जाएगा, यानी तीन आंसर्स तो ऑलरेडी आ जाएंगे, तो सिर्फ छह कैलकुलेशन करना है आपको ए ए ऐसा, और नौ आंसर्स आ जाएंगे।
सबसे पहली स्टेप क्या, ये छह कैलकुलेशन करना। सेकंड स्टेप, यहां फिगर्स रखना, नो आंसर आ गए। थर्ड स्टेप, इन सबको टोटल करना। फोर्थ स्टेप, स्क्वायर रूट डालना और आपका रिस्क तैयार। तीन सिक्योरिटी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो यू विल गेट दी आंसर थ्रू दिस। फर्स्ट स्टेप, ये फॉर्मूला लगाओ 6 बार। सेकंड स्टेप, मैट्रिक्स में फिगर्स रखो। थर्ड स्टेप, टोटल करो। फोर्थ स्टेप, स्क्वायर रूट डाल दो। कहानी खत्म। ये फॉर्मूले से भी जो निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, अनलाइक अदरवाइज। ये फॉर्मूला यही है लेकिन इस तरह से यूज करो, दैट आई विल सजेस्ट। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अगर कोई तरीका दिया है तो गो विद दैट, डोंट गो विद दैट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। दिस कैन बी द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आल्सो, बट सॉल्यूशन इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी वांट। ठीक है, ये जो है ना, इसको बोलते हैं मार्कोविट्स मॉडल। ये जो फॉर्मूले हमने देखे ना, मार्कोविट्स ने सजेस्ट किए हुए मॉडल से, तो ये जो तीन सिक्योरिटी वाला मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला है, दैट इज मार्कोविट्स मॉडल फॉर थ्री सिक्योरिटी रिस्क, फॉर द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो हैविंग थ्री सिक्योरिटी, मतलब जिसमें तीन सिक्योरिटीज है, ऐसे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए मार्कोविट्स ने ये मेथड सजेस्ट किया। सो अगले लेक्चर में हम देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन, तो आपको और क्लैरिटी आएगी किस तरह से ये फॉर्मूले को यूज करना है। बहुत ही रेयर पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्टिल पास्ट एग्जाम्स में 2 या 3 बार ये पूछा गया है। सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व, यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो आप ये नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं।